स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो बच्चों आज जो पेपर हुआ था 17 जुलाई 2021 को एयरफोर्स थर्ड शिफ्ट का, वो मैथ का पेपर पूरा ओरिजिनल और ट्रिक्स के साथ आ रहा है, आप ध्यान से देखना। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर मान लो 2011 से 2021 तक के जो वीडियो थे वो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिले हों तो वो वीडियो बेटा आप जो है मुझसे इस नंबर पे मांग लेना। और चैनल की प्लेलिस्ट में भी ये मौजूद है, अगर आपको वहाँ सर्च करना आता हो तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, क्लियर। और बाई चांस कोई बच्चा नया है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। चलिए स्टूडेंट चलते हैं सीधा और देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और बाकी जो भी बच्चे ऐसे हों जिनको मान लो पेपर हुआ हो और यहाँ दो चार क्वेश्चन रह भी जाते हैं क्योंकि सारे बच्चे वीडियो शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चे मुझे इस नंबर पे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन देखिए आज फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था बच्चों, मैंने आज क्वेश्चन कराया था, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और ये देखो दोबारा से पूछ लिया। एक काम करो आप, इसमें जैसा कि अपन जानते हैं कि ज़्यादा आपको साइन स्क्वायर एक्स है जैसे, है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स है बच्चों, इसको जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो 2 × 0 2 π/2 और ये साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ स्टूडेंट। अब आपको पता होगा एक ट्रिक होती है कि एक्स की जगह π/2 − x भी लिख सकते हैं। तो जब आप एक्स की जगह π/2 − x लिखोगे तो ये sin 90 − x cos हो जाएगा। अब ट्रिक देखना बिल्कुल सिंपल है, इसको और इसको ऐड कर दो तो आई और आई क्या हुआ 2i, ये 2 कॉमन हो गया और 0 2 π/2 यहाँ बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 2 कैंसिल हो रहा है और 1 का इंटीग्रेशन x और x की लिमिट क्या हो गई π/2। देखो अगर प्रैक्टिस हो तो आप बिना पेन चलाए भी ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वो, ये एक देखो ये APGPHP से आ गया, ये कह रहा है n प्रेक्षणों के व्यतक्रमों के माध्य का व्यतक्रम। देखो हमेशा ध्यान रखो n प्रेक्षणों का जब व्यतक्रम करेंगे आप और फिर उसका माध्य निकालेंगे और फिर उसका उल्टा करेंगे तो इसको कहते हैं, ये डेफिनेशन है किसकी, ये डेफिनेशन है हरात्मक माध्य की, जिसे कि हम बच्चों कहते हैं हार्मोनिक मीन और इसे HM से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन में हरात्मक माध्य यानी HM हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था बेटा, इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट लिखनी थी। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए कि वाई स्क्वायर इक्वल 4ax के नाभिलंब से घिरा क्षेत्रफल। देखो डायग्राम चलो बना लेते हैं, ये है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax का एरिया और ये है इसका नाभिलंब। आप जानते हो जो इसका नाभिलंब होता है वो उसकी लेंथ 4a होती है और ये a, तो यानी ये जो आपकी यहाँ 0 0 से a तक निकालनी है तो 0 से a तक निकाल के ये ध्यान रहे, और डबल भी करना पड़ेगा क्योंकि नीचे का भी निकालना है, डबल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू देख लो क्योंकि इंटीग्रेशन तो y का ही होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2√a√x, क्लियर। चलिए 2 × 2 = √a तो बाहर गया, रूट एक्स का कैसे करोगे बताओ, x की पावर 3/2 / 3/2 लिमिट है आपकी 0 to a और ये बेटा 2 × 4 = हो गया 8√a/3 और यहाँ से x की वैल्यू ये हो जाएगी, ये a की पावर 3/2 जिसे √a लिख सकते हैं। तो आप देखो ये 8/3 और √a√a a × a आपका a स्क्वायर हो गया, तो ये पोजीशन बनेगी, क्लियर। तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। अगले तीन क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये आपका एक क्वेश्चन आ गया, इसमें T3 यानी थर्ड टर्म पूछा है। अब ये देखना बेटा थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, एक काम करो इसमें पहले चलिए अपन निकालेंगे n की जगह 1, तो 3 × 1 यानी 3 − 1 = 2 हो गया। S1 का मतलब होता है आपका एक पद का योग, सम ऑफ वन टर्म, तो इसको आप a भी कह सकते हो फर्स्ट टर्म। S2 जब कहेंगे अपन, S2 का मतलब होता है n की जगह 2 रखे तो सम ऑफ टू टर्म्स यानी दो पदों का योग आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 × 3 = 12 × 12 = 10। अब देखिए बच्चों S2 यहाँ पर 10 आ गया, S2 का मतलब दो पदों का योग है ना, तो दो पदों के योग में कौन कौन शामिल होगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म जब 2 है तो सेकंड टर्म कितना हो गया 8, 10 में से 2 गया। चलिए अब इसमें n की जगह आप 3 रख दो, n की जगह 3,
तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 माइनस 3 यानी 24 हो गया। एस थ्री क्या हो जाएगा बेटा, एस थ्री का मतलब होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 यानी सम ऑफ थ्री टर्म्स। तो T1 T2 कितने, 2 और 8, और T3 आपको निकालना था, तो 2 और 8 10 उधर जाके माइनस करोगे तो 24 में से 10 गया तो T3 आपका 14 आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट, आपको ये तो पता ही है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, जबकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की 0। बस ये दो चीज़ों का यूज होगा, तीसरी का कोई मतलब नहीं है। चलो देखते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अगर हम यहाँ से करें तो ओमेगा उधर ले जाके माइनस ओमेगा, और ये ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2। देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा हो गया ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो ये अपना आंसर आ गया 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, DYDX इक्वल ई की पावर एक्स प्लस वाई। क्या मैं इसे ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई लिख सकता हूँ कि सर लिख सकते हो, ई की पावर वाई इधर आएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, जबकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई की पावर एक्स DX। तो यहाँ देखो ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस ई की पावर माइनस वाई, और e की पावर x का e की पावर x, आप चाहो तो इसे उधर लिख दो, तो आंसर को आप कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। चलिए बेटा बिना टाइम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन आ गया। तो 1/x जब हमको दिख रही तो उसका सबसे सही तरीका है कि log x को t मान के डिफरेंशियल करेंगे, तो log x का क्या होगा, 1/x dx = dt। तो आप देख सकते हो log x की जगह t है, 1/x dx की जगह dt। तो बेटा t स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन में, t³/3। t की वैल्यू लगा दो, क्या है t की वैल्यू, log x का q/3, और ये अपना फाइनल हो गया। आगे चलिए देख लेते हैं बच्चों, a माइनस b कह रहा है π/4 है, तो इसकी वैल्यू देखो, ऐसे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से कर सकते हैं। आप कोई दो ऐसे कोण ले लो जिनका डिफरेंस π/4 हो, जैसे चलो π/4 यानी 45 और b 0, तो इनका अंतर 45 हो जाएगा, ये यहाँ रख दो, 1 प्लस tan 45 × 1 माइनस tan 0। आप ये बताओ tan 45 क्या होता है बच्चों, 1, और tan 0 0, तो 1 प्लस 1 2 × 1 माइनस 0 यानी 1 आपका 2 आ जाएगा। क्लियर। देखो एक सेकंड का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन से करो। तो इसको देखते हैं, साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ रही, तो आपको पता है साइन इनवर्स माइनस को खाता नहीं है, माइनस आगे जाएगी, और √3/2 साइन में आपको पता है 60 की यानी π/3 की वैल्यू होती है, साइन से साइन इनवर्स जाएगा, ये बचेगा माइनस का π/3। अगला बेटा देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आ गया। वो कह रहा है NCR की वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपॉन में फैक्टोरियल आ रहा है। तो बेटा ये तो सिंपल है, आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है ना कि NCR इक्वल क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। और आपको पता होगा कि ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r को NPR भी बोला जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ जो इंटरोगेटिव साइन लगा है इसकी जगह क्या आ जाएगा, NPR। सही है ना, ये देखो ट्रिकी क्वेश्चन था, घुमा के पूछा है। नेक्स्ट 11 नंबर पर देखते हैं क्या पूछा है बेटा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। देखिए दो पांसे हैं, तो दो पांसों की कुल स्थितियां तो आपको पता ही है, 6 का स्क्वायर 36 होती हैं, और योग कह रहा 8 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 8 से ज़्यादा योग बताओ कब कब आ सकता है, कौन कौन से चांस होते हैं 8 से ज़्यादा योग में, 9, 10, 11, 12। तो 9 के लिए क्या करोगे, 9 के लिए 6 3 और 3 6 4 5 और 5 4 आ सकता है, 10 के लिए 4 6 6 4 और 5 5 हो सकता है, 11 के लिए 6 5 और 5 6 हो सकता है, और 12 के लिए 6 6 हो सकता है। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पॉसिबल आउटकम्स यानी अनुकूल स्थितियां हो गई 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ये 10 और ये 36, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 5/18 हो जाएगा। क्लियर। शानदार क्वेश्चन था बेटा,
नेक्स्ट यहाँ कह रहा है बेटा अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसकी ऑर्डर है 2x3 और बी की ऑर्डर है 3x5। तो अब देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है वो तो मुझसे ये कह रहा है कि बी ए का ऑर्डर बताना है और एक कह रहा है ए बी का। तो देखो चलो दोनों ही मैं बता देता हूँ, पहले बी ए का कैसे बताएंगे। देखो बी ए आप बी को लाइए क्या होगा 3x5, ए क्या है 2x3। देखो ऑर्डर बताने के लिए बी का ए से मल्टीप्लाई पॉसिबल होना चाहिए और मल्टीप्लाई पॉसिबल तब होता है जब इसकी कॉलम और इसकी रो बराबर हो, तो ये तो बराबर है नहीं, तो ऑर्डर ऑफ बी ए ये तो हो जाएगी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित, यानी ये आपको नहीं निकालनी है, ठीक है ना, ये आपको नहीं निकालनी है। अब इसको देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए बी। ए बी के लिए ए की ऑर्डर कितनी है बेटा 2x3, बी की 3x5। तो आप देख सकते हैं ए का जो कॉलम है वो बी की रो के बराबर है, यानी इनका मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन ऑर्डर पूछिए तो ऑर्डर के लिए पहले का चौथे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x5 हो जाएगा। क्लियर, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए a माइनस बी पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो क्या है कि ऐसा करो a माइनस प्लस बी और ए से ए कैंसिल हो के बी आ गया। बेटा सेट थ्योरी में ऐसा नहीं होता। सेट थ्योरी में क्या होता है कि ए माइनस बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, बस इतना ही ऑप्शन में दे रहा था, है ना। ये चलिए आगे लिमिट का एक शानदार क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जा रहा है। आप डी एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, अवकलन कर दो, करो अवकलन, डिफ्रेंशियल करो जल्दी। e की पावर ए एक्स का क्या होता है बेटा a इंटू ई की पावर ए एक्स, और e की पावर बी एक्स का क्या हो जाएगा b इंटू ई की पावर बी एक्स, और नीचे x का वन हो जाएगा। अब लिमिट लगाएंगे तो x की जगह जीरो आ जाएगा, तो a इंटू ई की पावर जीरो b इंटू ई की पावर जीरो। e की पावर जीरो वन होता है, तो यहाँ आपका a माइनस बी हो जाएगा। बोलो क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चन बेटा जो मिले थे मैंने एक्यूरेट आपको करा दिए हैं। बाकी क्वेश्चनों के लिए आप इस प्लेलिस्ट पर जाएं, ठीक चैनल पर मौजूद है, और अगर आपको नहीं मिले तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। और भी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ले लूँगा। और कंसेप्ट के लिए बेटा मैंने लगभग इस पर हर वीडियो को बनाया है, हर चैप्टर सॉल्व करवाया है, आप जाके अलग अलग कंसेप्ट को अलग अलग वीडियोस में देख सकते हैं। सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। क्लियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी ट्रिक समझ में आ गई होंगी। क्लियर, तो सारे बच्चों को बेटा एक बार शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।